हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव, और जैसा कि आपने वीडियो टाइटल से देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मैकबुक प्रो की अनबॉक्सिंग। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव जो है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि भाई लैपटॉप जो है वो यूके आके लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, इतना महंगा लैपटॉप लेने का वर्थ है या नहीं है, कोई डिस्काउंट है या नहीं है। तो आदि जो है, जो मेरा छोटा भाई है, वो भी मैकबुक प्रो लेके आया है, जो कि ये रहा मेरे हाथ में, और इसकी अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हम, और आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी बहुत आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ कि भाई लैपटॉप किस टाइप का होना चाहिए, क्यों यहाँ पे आके लेना चाहिए और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले थोड़ा दिखाने वाला हूँ, जब आदि जो है वो लैपटॉप लेने गया, उसने जो वीडियो शूट करी वहाँ पे, पहले वो वाला पार्ट डालते हैं, फिर लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि भाई कैसा है ये लैपटॉप और यहाँ पे लैपटॉप लेने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डील्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। So we are buying MacBook Pro base model 14 inch with my student ID card. ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि स्टोर पे आ जाए, कम से कम मैंने 4-5 दिन ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखी है, तो आज ही आया है। मैंने यूनिवर्सिटी में चेक किया था, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ मैं, और मैंने जब सुना कि ये अवेलेबल है, मैंने कहा भाई अभी लेना है। लैपटॉप की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हो, और अब आपको दिखाते हैं कि ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कितने का पड़ा है, और जो भी सारे डाउट्स जो हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सब क्लियर करते हैं। तो ये वाला जो है वो मैकबुक एयर है, जो कि पुराना वाला लैपटॉप है आदि का, और ये वाला है मैकबुक प्रो जो कि अभी नया आया है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आदि से पूछते हैं, और ये कितने का पड़ा, क्या डिस्काउंट मिला इसका, वो आदि से पूछते हैं। पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। इसमें 16 GB रैम है और 512 GB इसकी SSD है, और ये 14 इंच वाला मॉडल है जो अभी आया नया 2021 वाला। और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं पहले से ही IT में हूँ, और मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में था पहले, और अब मैं iOS की एप्स भी डेवलप करता हूँ, तो मेरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो मैकबुक से कंपैटिबल हैं, और मेरा जो कोर्स है वो बिग डेटा एनालिटिक्स का है, तो उसमें जो अपकमिंग सॉफ्टवेयर आने वाले हैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएंगे वो थोड़े हैवी आएंगे, जिसमें मुझे 16 GB रैम की ज़रूरत है। इसमें मैकबुक में 8 GB वाला भी था, बट वो पुराना वाला था जो 13 इंच वाला है, तो मैंने 8 GB वाला नहीं लिया। ये बेस मॉडल है 16 GB का, बट अगर आपको मैकबुक लेना है या फिर कुछ और लैपटॉप लेना है तो आप यहाँ पर आओ पहले, और उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 वीक्स की एटलीस्ट क्लासेस लो, ताकि आपको पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप अपना लैपटॉप डिसाइड करो। आपको अगर लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप दूसरे लैपटॉप भी ले सकते हो जो अच्छे अच्छे आजकल आ रहे हैं। तो अगर आप लैपटॉप जो है यूके से लेते हो तो यूके में आपको काफ़ी सारी डील्स मिल जाती है, जैसे कि करीज पीसी वर्ल्ड हो गया, या फिर आर्गोज हो गया, या फिर अमेजोन हो गया, यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाते हैं। जैसे आपकी स्टूडेंट आईडी जब बनती है तो उसको आप यूनिडेज पे रजिस्टर करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि यार यहाँ पर लेना ज़्यादा बेटर है। तो भाई ये वाला जो लैपटॉप है ये तो बहुत ही महंगा इसको पड़ा है, कितने का पड़ा है ये? वैसे लैपटॉप का जो प्राइस है वो है £1900। ओरिजिनल प्राइस इसका £1900 है, बट मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट में ये £1708 का पड़ा है, तो मतलब £1700 का। अब जैसे कि आपको पता होगा, अभी जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे यहाँ पर आ रहे थे, उनको £1750 देने पड़ने थे होटल क्वारंटाइन में, तो वो जो पैसे हैं वो इसने सेव कर रखे थे कि भाई 1750 तो मैंने वहाँ वहाँ पे जाने ही जाने हैं, तो वहाँ से एक रिलीफ मिल गया जब इसका होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ा इसको, तो इन्होंने जो गवर्नमेंट के जो रूल्स थे वो डिफरेंट हो गए थे उस टाइम पे, तो इसको होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ा, तो 1750 जो है वो सेव हो गए, उसमें से £1700 का इसने लैपटॉप ले लिया, और £50 के मेरे को पार्टी देने वाला है।
ये प्राइस है यहाँ पे लैपटॉप लेने का, मतलब मैकबुक प्रो लेने का डिस्काउंट मिला है, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अब बात आती है कि भाई आपको इंडिया से लेना चाहिए या फिर यूके आके लेना चाहिए। तो जैसा कि आदि ने आपको बताया, आप मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो वो लेके आओ। अगर आप प्लान कर रहे हो लैपटॉप लेने का यहाँ पर आके अपने कोर्स के लिए, तो थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर आके ले लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं और आप वो पैसे यहाँ पे लेके आ सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो जैसे कि आदि ने ट्रांसफर कर लिया। तो बात मोटी मोटी ये आती है कि भाई लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए और कितने का होना चाहिए। तो पहले आप कोर्स में जाओ अपने, जैसे कि मनमीत है वो फैशन मैनेजमेंट में है, तो उसके लिए मैकबुक प्रो लेना कोई इतना अभी तो उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैकबुक प्रो लेने की, क्योंकि उसको सिर्फ पीपीटीज वगैरह बनानी पड़ती है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो नॉर्मल विंडोज में चल जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो है एक अच्छा लैपटॉप है हुआवे का मेटबुक D14, जो कि बहुत अच्छा था, मैंने रिसर्च करी थी और वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको लेना है तो हुआवे मेटबुक भी ले सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको जस्ट फॉर द सेक के भाई आपको अजय एक अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाए। तो ये वाला जो लैपटॉप है ये मनमीत का है, हुआवे का लैपटॉप है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये भी हुआवे का मेटबुक D14 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो AMD Ryzen, इसमें AMD Ryzen 7 है जो कि i5 से अच्छा होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुआवे शेयर भी, अगर आपके पास हुआवे मोबाइल है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो, फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा लैपटॉप है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, तो मैं भी कभी कभी ये यूज़ कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इतना महंगा लैपटॉप लेने की तो ही आप लो, अदरवाइज़ ये 500-600 के लैपटॉप जो हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। हुआवे का अच्छा चल रहा है फिलहाल, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, एसोस ब्रांड अच्छा है और HP के अच्छे हैं, लेकिन HP के आजकल काफ़ी महंगे हो गए, 1200-1200 पाउंड के हो गए i5 कॉन्फ़िगरेशन जो भी है SSD, और ये वाली SSD है। तो आप एक बार चेक करना हुआवे मेटबुक का, क्या पता आपको हेल्प मिल जाए, क्या पता आपको अच्छा लगे। इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं सो फार और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो ये था लैपटॉप के ऊपर जो हमने सोचा चलो एक स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना देते हैं। आप काफ़ी सारे, अब मैंने क्या किया ना, अब मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ सारे कमेंट्स में से और उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और बेटर भी रहे कि यार चलो इस वीडियो से आपको हेल्प भी मिल जाए। तो मैंने उसी में से एक क्वेश्चन उठाया कि चलो भाई एक स्टूडेंट है वो पूछ रहा था कि भाई लैपटॉप जो है वो यूके आके लेना चाहिए या फिर इंडिया से लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो ये था और अनबॉक्सिंग करके आपको हमने दिखाई दिया एप्पल मैकबुक प्रो जो है वो बहुत ही बढ़िया फास्ट लैपटॉप है, और जो कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए अच्छा है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए मैकबुक एयर ही ठीक है। अभी वीडियो एडिटिंग जो है वो मैं आईपैड पे भी कर लेता हूँ और एयर पे भी हो जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।